हाँ जी, अब लिमिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बायनॉमियल थ्योरम। तो इसीलिए आपको जब 11th में हम पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा होता है लिमिट्स में। तो उसका यूज देखते हैं हम क्वेश्चंस में किस तरीके से होगा, और क्वेश्चंस के थ्रू ही करने की कोशिश करते हैं उसको। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 2x। तो यहां से हम जरा क्या करना चाहिए हमें, अब ये देखते हैं। ठीक है जी, यहां से हम एक्स क्यूब को अगर हम बाहर निकालें क्यूब रूट से, तो वो कैसा दिख रहा होगा? एक्चुअली एक्स क्यूब और उसकी पावर 1/3, और साथ में यहां पे जो अब दिख रहा होगा आपको, या हम इसको एक काम करते हैं, ऐसे भी नहीं लिखते, अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1/3 over x^3। और यहां से अगर हम दूसरे पार्ट से अगर हम x बाहर निकालेंगे, तो एक्चुअली में रूट एक्स, ये बेसिकली मॉड एक्स बन के बाहर आ रहा होगा, और ये होगा 1 minus 2 over x^2। ठीक, अब ये सिचुएशन तो आ गई। अब लेकिन हमारा x जो है ना टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो होगा क्या भाई? ये जो मॉड एक्स है ये तो पॉजिटिव ही खुलेगा, तो हम खाली x भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा, और ये हो गया x इंटू 1 plus 3 over x^3 माइनस x इंटू 1 minus 2 over x^2। अब अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम याद है, तो जब एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी हुआ, इसका मतलब 1/x इज टेंडिंग टू 0, यानी कि ये बहुत बहुत छोटा नंबर हुआ, है ना? और अगर आपको याद हो, तो जो 1 plus x^n का जो रूल लगता था, व्हेन एक्स मॉड एक्स इज लेस देन 1, राइट? तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो 1 plus x^n को हम कैसे लिख सकते थे? किसी को याद हो तो जल्दी से मुझे बता दो भाई। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंशन कुछ ऐसे होता था, राइट? आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब जरा इसको हम अप्लाई कर देते हैं जी। तो जब हम इसको अप्लाई कर रहे होंगे, तो जरा ओपन करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। तो यहां पे तो एक्स है, अंदर क्या आ रहा होगा? 1 plus 1/3 into 3 by x plus 1/3 into 1/3 minus 1 over, ये होगा 2 into 1 and 3 by x square। आगे की लिखूंगा नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटी होती चली जाएंगी, वो उसका रीजन भी आप देख लेंगे, एंड सो ऑन, ऐसा होगा। और साथ ही में यहां पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा सेकंड पार्ट में हमारा। तो ये क्या हो रहा होगा? एक्स 1 minus, और चलो इसको माइनस का वैसे ही लग के कर देंगे, 1 plus 1/2 into -2/x +1/2 into 1/2 -1 over 2 into 1 और -2/x² एंड
सो ऑन। अब देखिए जी, हमारे पास क्या क्या हो रहा है। ये थ्री से ये थ्री कैंसिल, और अच्छा ये वाला जो वन इंटू एक्स आएगा ये इस माइनस वन इंटू एक्स से कैंसिल होने वाला है। ये टू से एक, ये माइनस टू, यानी कि टू ही है बेसिकली, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। यहां से आपके पास माइनस वन बाई टू आएगा। अच्छा जब ये एक्स आ रहा होगा तो ये वाला एक्स भी कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यहाँ वाला एक्स भी कैंसिल होगा क्योंकि बाहर आपके ब्रैकेट से बाहर एक एक्स है, और सेम ही चीज यहां पे हो रही होगी। तो अब क्या सिचुएशन हो रही है हमारे पास, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां से हमें मिलेगा, इस टर्म से मिलेगा वन प्लस वन बाई थ्री, और वन वन बाई थ्री माइनस वन इज माइनस टू बाई थ्री ओवर टू इंटू थ्री स्क्वायर और इंटू वन ओवर एक्स माइनस, और यहां से हमें माइनस वन मिलेगा प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू ओवर टू इंटू माइनस टू स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स, ये हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी। अब जब एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा हमारे पास तो क्या हो रहा होगा भाई, ये सब जीरो हो जाएंगे, ये सब भी जीरो हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहां से वन और एक माइनस ऑफ माइनस वन यानी कि प्लस वन, तो वन प्लस वन दैट इज टू आपका आंसर होगा। आई एम श्योर ये बात क्लियर हुई होगी आपको, नहीं है तो आप मुझे रोक दें और पूछ डालें। अब आपका क्वेश्चन ये है, ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, और उसकी होल टू द पावर है वन बाई थ्री एंड माइनस एक्स, इस लिमिट को आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये सोचो भाई ये कौन सी वाली फॉर्म है, और उसके बाद देखो जी क्या होने वाला है। क्लियरली इनफाइनाइट बाय इनफिनिटी की फॉर्म है आपके पास, तो अच्छा ये पावर में है, इनको जरा मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अच्छा ये मैंने कैसे लिखा इधर आप देख लो भाई, आपके पास अगर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा अगर तीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पेयर वाइज सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है जी, ये आपने सीखा हुआ है, तो मैंने बेसिकली वही लगा दिया आपके लिए खास। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारी जो सिचुएशन हो जाएगी वो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये हो गया एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस सिक्स, चलिए जी पावर वन बाई थ्री और माइनस एक्स। तो ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या हम कॉमन लेने वाले हैं, है ना। तो क्या लेंगे हम कॉमन, ऑफकोर्स x की पावर थ्री कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा x, और ये बचेगा वन प्लस सिक्स बाई एक्स प्लस इलेवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स ओवर एक्स क्यूब, और इसकी पावर वन बाई थ्री और माइनस का x। क्लियर है जी।
अच्छा अब एक बात बताइए, इसमें हम फिर से जरा बाइनोमियल लगा देते हैं तो ये कुछ ऐसा सा दिख रहा होगा आपको, वन प्लस है ना, तो इस पे हम फिर लगा देते हैं बाइनोमियल थ्योरम, तो वो क्या दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, तो एक्स तो बाहर है ही, वन प्लस वन बाई थ्री, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हमारा जो है x का काम कर रहा होगा, प्लस सिक्स ओवर एक्स क्यूब और प्लस वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री माइनस वन इंटू वन बाई थ्री और एन इंटू एन माइनस वन, और ये हो गया सिक्स ओवर एक्स प्लस इलेवन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स ओवर एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब है, और ये होल स्क्वायर ओवर टू इंटू वन एंड प्लस सो ऑन, और बाहर का एक ये माइनस एक्स ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जरा इसको ओपन करने की कोशिश करें और फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो ये जो वन है क्योंकि इसके बाहर एक्स रखा हुआ है तो ये तो इसको कैंसिल कर देगा, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जब ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये भी गया, तो आपके पास जो बचा वो वन बाई थ्री इंटू सिक्स बचेगा। अब इसके बाद क्या होगा, अगली टर्म में वन अपॉन एक्स आ रहा होगा, यहां पे एक्स वाली टर्म आ रही होंगी, तो ये सब जीरो होने वाली है आपकी। सेम थिंग यहां पे भी होगी क्योंकि यहां पे जब आप स्क्वायर कर रहे होगे इस पॉइंट पे तो यहां पे सारी टर्म स्क्वायर में आएंगी, और बाहर के एक एक्स से कैंसिल करेंगे भी तो क्या होगा, तो भी डिनोमिनेटर में एक एक एक्स तो आ ही रहा होगा कम से कम, तो इसका मतलब बाहर से भी कुछ आने नहीं वाला आपके पास, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बेसिकली आपका 6/3 यानी के आंसर जो है सॉरी 2 हो जाएगा ये। क्लियर हो गई बात, तो इस तरीके से आप बाइनोमियल को यूज करना होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। इनफैक्ट लिमिट में खास बात क्या है, अगर आपको मान लीजिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और आपको लगता है कि यहाँ पे बाइनोमियल लग सकती है तो लगा दो, क्वेश्चंस को आपको बहुत आसान बना देगा वो। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपको सही तरीके से बाइनोमियल लगानी आती है तो बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बशर्ते आपको चीजें पता हो। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड एबीसी इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एंड एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। एक्चुअली दो लिमिट दे रखी है, इसका ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए आपके पास है ना, तो और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ठीक। तो हम मैंने जल्दी जल्दी में एक ही में लिख दिया, पर आप इसको दो अलग अलग क्वेश्चन भी समझ के कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो चलिए आप जरा इसको सॉल्व करिए कि लिमिट जो है एक्सटेंडिंग टू जीरो है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स इक्वल टू जीरो ये दे रखा है, तो अब आपको फाइंड जो करने हैं वो ए बी सी करना है। जरा सा सोचो कि क्या करना पड़ेगा आपको। अच्छा इसको जरा हम एक काम करते हैं, एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस सी ओवर एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक। अब सिचुएशन क्या है, आपके पास एक फाइनाइट नंबर आ चुका है। अच्छा अगर मैं एक्स टेंडिंग टू जीरो लगा रहा हूं तो ये जो पार्ट है सी अपॉन एक्स ये क्या देगा मुझे, इन्फिनिटी देगा, और अगर ये मुझे इन्फिनिटी दे रहा है तो ये बाकी की चीजों को भी सबको इन्फिनिटी लेके चला जाएगा अपने साथ, होगा कि नहीं होगा, पर हमारा आंसर फाइनाइट है। तो हमारा आंसर फाइनाइट कब आ सकता है, कि जब ये पार्ट जो है ये चीज एग्जैक्टली जीरो हो जाए तो हमारा आंसर
जो है इंफिनिटी की जगह जीरो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको एग्जैक्टली जीरो होने के लिए सी क्या होना चाहिए भाई? सी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी एग्जैक्टली जीरो होगा। देखो एक फर्क है, एक चीज है टेंडिंग टू जीरो और एक है एग्जैक्टली जीरो, ठीक है, दोनों में फर्क होता है। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो बनती है ना, वो टेंडिंग टू जीरो के केस में बनती है, ना कि एग्जैक्टली जीरो के केस में, है ना, ये ध्यान है आपको। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप जब लास्ट में आपके पास सिचुएशन बन जाए तो आप सीधे सीधे लिमिट रख के आपका आंसर जीरो भी आ सकता है, आपका आंसर इन्फिनिटी भी आ सकता है, ठीक है। तो टेंडिंग टू जीरो का सिचुएशन नहीं है, ये एग्जैक्टली जीरो है, तो सी तो जीरो ही हो गया जी, ठीक है। अच्छा बी ऑब्वियसली इधर जीरो है तो बी को भी जीरो ही होना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा? तो बी को भी जीरो होना पड़ेगा। अब बचा ये ए एक्स, अब जरा इस ए एक्स को देखो, ए एक्स में एक्स ए इंटू एक्स जो है तुम्हारा जीरो, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये वैसे भी जीरो देगा, तो इसका मतलब क्या है, ए हो तो रहने दो कुछ भी, क्योंकि एक्स उसके साथ जीरो मल्टीप्लाई करके जीरो देगा ही देगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए क्या हो सकता है, ए बिलोंगिंग टू आर, कुछ भी हो सकता है ए। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है मुझे बताओ? देखो अगर बी जीरो के अलावा मान लीजिए वन टू थ्री कुछ भी है, तो तुम्हारा आंसर जीरो कैसे आएगा भाई? बी तो अपने आप ही वैल्यू दे रहा होगा कुछ उसकी, समझ गए? तो इसलिए बी को तो जीरो होना उसकी मजबूरी है। चलिए जी, अब हमारा क्वेश्चन इसका दूसरा वाला, ठीक है। तो अब एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ऑलराइट, तो अब क्या करेंगे? तो फिर से पहले तो उसको उसी वे में लिख लेते हैं, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस सी ओवर एक्स, और इसकी वैल्यू अभी भी जीरो ही दी हुई है हमको। अब सोचा जाए क्या होगा, अच्छा एक्स इंफिनिटी है तो ये जो पार्ट है सी ओवर एक्स, अब एक्स जब इंफिनिटी होगा तो ये क्या दे रहा होगा, जीरो ही दे रहा होगा, ठीक है, तो होने दो सी को कुछ भी, तो ये तो जीरो हर हालत में होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सी विल बी एनी रियल नंबर, ठीक है। और बी के लिए तो बेचारे के लिए फिर भी कोई ऑप्शन है नहीं, इसको तो फिर भी जीरो ही होना है, क्योंकि ये तो बेचारा इकलौता बैठा हुआ है, इसके साथ कोई एक्स तो है नहीं। अब सवाल आया ए एक्स, ठीक है, अब ए एक्स को देखें, इसमें जो है एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है, अगर ये एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है तो अगर इसमें एक कुछ भी वैल्यू है तो ये क्या करेगा, उसको इंफिनिटी ले जाके पटक देगा, तो इसका मतलब, पर हमारा आंसर तो जीरो आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, ए जो है एग्जैक्टली जीरो रहा होगा, क्योंकि जब एग्जैक्टली जीरो है तो जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर जो है आपका जीरो दे जाएगा। तो ये बात समझ में आई? चले जी, अब आपको फिर से ए भी फाइंड करना है, लिमिट है एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब जरा सा इसको सोचोगे क्या है, चलिए जी देखते हैं इसको करते हैं। तो जरा इसका एलसीएम ले लिया जाए, ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे आ गया एक्स प्लस वन और यहां पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स इंटू एक्स प्लस वन और माइनस बी इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लें तो देखो यहां से ए एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा वन माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखो यहां तक आया कि नहीं है आप लोगों का, ठीक है भाई। अब जरा एक चीज देखो,
ये हो गया क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर, ठीक है, और लिमिट है एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, पर आंसर है जीरो। अब आपको यह पता है कि अगर न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है और एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है तो आंसर क्या आता है? इंफिनिटी, ठीक है ना। न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा, पर हमारा आंसर तो जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भैया ये जो हायर पावर वाली जो टर्न रही होगी ना, ये होगी नहीं, क्योंकि अगर ये होती तो ये आंसर इंफिनिटी ही हो सकता था। तो ये नहीं होगी, तो क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो ए है ना, ये भाई साहब ए वन बन गए होंगे, इसीलिए ये टर्म जो है जीरो हो गई होगी, तो इसलिए आपका काम बन गया होगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ। अब आगे देखो, अब ये तो हो गया जीरो, अब ये है लीनियर, ठीक है, ये लीनियर है और ये भी लीनियर है। अब लीनियर ओवर लीनियर का आंसर क्या आता है? कोफिशियंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर एंड कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट का डिवीजन आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आना चाहिए था, यहां पे ऊपर है माइनस ए प्लस बी और नीचे है वन एक्स का कोफिशियंट, ठीक है, तो ये आंसर आना चाहिए था। और ये किसके बराबर आया? ये जीरो के बराबर आया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब भैया ए प्लस बी भी जीरो हो गया होगा, और अगर ए प्लस बी जीरो हो गया होगा यानी कि ए वन है तो बी इज इक्वल टू माइनस वन रहा होगा, इसीलिए ये जीरो हुआ होगा। आया फंडा समझ में कि नहीं? बोलो जल्दी से। अब इसी क्वेश्चन में मैंने छोटा सा चेंज किया, ठीक है। अब मैंने कह दिया भाई ये क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है जीरो नहीं है भैया, इसका आंसर है टू, ठीक है। फिर से हमने एलसीएम लेके फिर से रीअरेंज कर लिया तो आंसर अभी भी टू ही है। अब आप सोचो कि ए और बी की वैल्यू क्या रही होंगी। चलो जी देखे जाए। अब आपका आंसर आया भाई फाइनाइट, ठीक है। तो ये तो बेचारा अभी भी, अच्छा इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं एक बार, है ना, जो हमने वो थोड़ा सा हिला दिया था, इसको जरा सा दोबारा से लिख देते हैं। तो ये हमारे पास फिर से रीएडजस्टमेंट करके यही आने वाला है ना, ये मुझे पहले ही कर देना चाहिए था एक्चुअली। चलो कोई बात नहीं, ओवर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू है, ठीक। तो यहां से तो ये क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर है, तो ये तो किसी भी हालत में हो नहीं सकता क्योंकि फाइनाइट आंसर है, तो ये तो ए को तो वन होना ही पड़ेगा जी, ठीक है। बस अब कहानी क्या, बस ये जो है ना, ये दोनों ये हमारे लीनियर ओवर लीनियर हैं, तो इसका आंसर टू यहीं से आंसर आएगा फाइनाइट टू, तो इसका मतलब क्या होगा? माइनस ए प्लस बी ओवर वन जो है ये टू रहा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टू रहा होगा, और अगर a वन है तो b इज इक्वल टू माइनस थ्री आपका आंसर रहा होगा। क्लियर हुई बात? फिर से चेंज किया इसी क्वेश्चन में और अब आंसर जो है जी इंफिनिटी है, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा a और b? चलिए जी अब जरा समझा जाए, ठीक है। ओके अब एक चीज समझो कि ये आंसर इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी कहां से आया होगा? ये भैया ये जो इंफिनिटी है वो यहीं से आया होगा, है ना, इसी के कारण इंफिनिटी आया होगा। तो इंफिनिटी आया तो होगा, लेकिन कहानी एक और भी है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना,
क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो अगर हमारा आंसर उस केस में क्या जाएगा, माइनस इंफिनिटी, तो वो तो चाहिए नहीं अपन को। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वन माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ए शुड बी लेस देन वन, ये आपका आंसर हो गया। और बी को तो बेचारे को कोई टेंशन ही नहीं है, अब उधर तो इन्फिनिटी दे दिया उसने, तो बी क्या हो गया, बी आपका रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो देखो छोटी छोटी एक ही क्वेश्चन में चेंजेस किए तो आपके आंसर्स बदलते चले गए, यही चीजें आपको समझनी है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।